स्वागत है आप सभी का पीसीएस बाबा की आकाशवाणी सीरीज में। आज के करंट अफेयर के डोज में हम पढ़ेंगे दिसंबर महीने के जितने भी करंट अफेयर है उसको वन लाइनर को। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा तो प्लीज़ इसको लाइक करो, शेयर करो, अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, लग रहा है इसमें और कुछ इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। आप कमेंट बॉक्स में हमें अपना सजेशन दे सकते हो, ठीक है, हम उस पर जितना जल्द हो सके काम करेंगे। तो बिना लेट किए शुरुआत करते हैं आज की जो हमारी स्लीपिंग डोज है उसकी। ईयरफोन आराम से लगा लो आप और खो जाओ स्लीपिंग डोज में। सबसे पहले बात करते हैं तो बारबाडोज एक देश है, तो सैंड्रा मैंसन है वहाँ पे, ठीक है, सैंड्रा मैंसन वहाँ की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई है। कहाँ की? बारबाडोज की। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन जो इंटरपोल होता है उसका नया अध्यक्ष बन गए हैं नासिर अल रायशी, ठीक है। उसके बाद सातवां जो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार है वो जीता है वी प्रवीण राव जी ने। रिसेंटली जो रिपोर्ट जारी हुआ है उसके अनुसार प्लास्टिक कचड़े के उत्पादन में सबसे नंबर वन पे है अमेरिका, जो हवाबाजी करता है बहुत ज़्यादा। लंदन की EIU द्वारा विश्व के सबसे महंगे शहरों की सूची जो निकली है, मतलब सबसे कॉस्टली सिटी कौन है, तो उसमें नंबर वन पोजीशन पे है तेल अवीव, TELAVIV, ठीक है। उसके बाद जम्मू कश्मीर में 12 साल के बाद पुष्कर महोत्सव मनाया गया है। अंजू बॉबी जॉर्ज ने वर्ल्ड एथलेटिक्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है। दक्षिण सूडान जो साउथ सूडान है उसने ये घोषणा की है कि हम 2030 तक बाल विवाह समाप्त कर देंगे। 6 दिसंबर को मैत्री दिवस के रूप में भारत और बांग्लादेश ने घोषणा की, हम दोनों मिलकर इसे मैत्री दिवस के रूप में मनाएंगे 6 दिसंबर को। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, मतलब इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर जो होता है उसका 40वां संस्करण जो है वो, उसमें बिहार ने स्वर्ण पदक गोल्ड जीता है। प्रेसिडेंट कलर अवार्ड, प्रेसिडेंट कलर अवार्ड मिला है हिमाचल प्रदेश जो राज्य है वहाँ की पुलिस को। रिसेंटली हॉर्नबिल महोत्सव, हॉर्नबिल जो फेस्टिवल है वो मनाया गया है नागालैंड में। देश में निर्मित पहला सर्वर पेश किया गया है, पहला सर्वर इंडिजिनियसली मेड फर्स्ट सर्वर वॉज लॉन्च्ड, उसका नाम है रुद्रा, ठीक है, भगवान शिव के नाम पे। हमारे रतन टाटा जी को असम ने सर्वोच्च नागरिक राज्य पुरस्कार दिया है, ठीक है। फॉर्च्यून इंडिया ने लिस्ट जारी की थी जिसमें भारत की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की लिस्ट बनाई थी, उसमें सबसे टॉप में रही है निर्मला सीतारमण और दूसरे नंबर पे रही हैं नीता अंबानी, ठीक है। एक पारी में, मतलब एक इनिंग में सभी 10 के 10 विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज बने हैं एजाज पटेल, ठीक है। उसके बाद उत्तर प्रदेश जो है वहाँ का कोरवा एक जगह है, वहाँ पे AK-203 असोल्ट राइफल का प्रोडक्शन किया जाएगा, उत्पादन किया जाएगा, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के कोरवा में AK-203 असोल्ट राइफल का प्रोडक्शन किया जाएगा। राजस्थान राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए बैक टू वर्क योजना की शुरुआत की है। उसके बाद कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने 2021 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है परजीवरेंस को, PERSERVERANCE, परजीवरेंस, ठीक है। अब कुछ कुछ और याद कर लो। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है वैक्स को, VAX, वैक्स, ठीक है।
मेरियम वेबस्टर डिक्शनरी जो है उसने घोषित किया है वर्ड ऑफ द ईयर वैक्सीन को, कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने घोषित किया है वर्ड ऑफ द ईयर परसीवरेंस को, कोलिंस डिक्शनरी ने घोषित किया है वर्ड ऑफ द ईयर NFT नॉन फंजिबल टोकन को, ठीक है। उसके बाद एंग्जाइटी को सेलेक्ट किया गया है चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो ये आपके पूरे वर्ड ऑफ द ईयर खत्म हो गए। उसके बाद पुरुषों का FIH हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप जो हुआ था उसे जीता है अर्जेंटीना ने। हमारा अपना बजट वेब पोर्टल लॉन्च किया है झारखंड गवर्नमेंट ने, हमारा अपना बजट वेब पोर्टल। मिस ट्रांस ग्लोबल 2021 अवार्ड जो होता है उसे जीती है श्रुति सितारा ने। स्विट्जरलैंड ने क्या किया है कि जो दर्द रहित मौत होता है उसके लिए इच्छा मृत्यु उपकरण को मंजूरी दे दी है। मतलब एक होता है यूथेनेशिया जिसे बोलते हैं, कि अगर आप बहुत संकट में हो, आपका रोम रोम मतलब कराह रहा है, कोई ट्रीटमेंट नहीं हो पा रही, तो उसमें आपको परमिशन मिलता है कि आप सुसाइड कर सकते हो, मेडिकल सुसाइड जिसे बोलते हैं। भारत में अभी लीगल नहीं है, इस पर केसेस अभी चल रहे हैं, ठीक है। फिर ITF वर्ल्ड टूर चैम्पियनशिप में महिला एकल का खिताब जीता है प्रांजल यादलापल्ली ने। नासा द्वारा चंद्रमा और मंगल मिशन के लिए अनिल मेनन जी को चुना गया है, ठीक है। लुइस हैमिल्टन जो हैं उन्होंने सऊदी अरब ग्रैंड पिक्स का जो उद्घाटन संस्करण था उसे जीता है, ठीक है। डेविस कप टेनिस टूर्नामेंट, तो डेविस किससे हो गया एक सवाल आपको यहाँ से पता चल गया, टेनिस से है। तो डेविस कप जो टेनिस का टूर्नामेंट है उसे जीता है रशिया ने। बिम्स्टेक जो देश होते हैं उनके बीच जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है उसका नाम है PANEX पैनेक्स 21, वो ऑर्गेनाइज हुआ था, आयोजित हुआ था पुणे में। फिर दो ज्ञानपीठ पुरस्कार है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 56वां और 57वां, ठीक है। तो 56th जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो मिला है असमिया कवि नीलमणि फुक्कन जूनियर जी को, ठीक है, नीलमणि फुक्कन को मिला है, याद रखना नीलमणि जी को। उसके बाद 57वां जो मिला है, 57th जो मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार, वो मिला है कोंकानी जो उपन्यासकार थे, मतलब क्या बोलते हैं उपन्यास जो नोवेल जो लिखते थे, दामोदर मौजो, ठीक है। तो रिसेंट में किसको मिला है, मौजो, ठीक है। और पिछले बार जो 56 मिला था वो किसको मिला था, फुफा जी को, ठीक है। तो फुफा जी की अब क्या हो गई, मौज हो गई। उसके बाद 4.5 दिनों के कार्य सप्ताह को अपनाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है संयुक्त अरब इमिरेट्स, UAE, यूनाइटेड अरब इमिरेट्स। उसके बाद राष्ट्रीय महिला आयोग, ठीक है, उसने एक कार्यक्रम मतलब लॉन्च किया है, उसका नाम है सी इज अ चेंज मेकर कार्यक्रम, ठीक है। मतलब जो वुमेन होती है वो एक चेंज मेकर होती है। उसके बाद तमिलनाडु में आप देखोगे तो काजू वैली वेटलैंड है, उसे राज्य का 16वां पक्षी अभ्यारण घोषित किया गया है। फिर एजुकेशन मिनिस्ट्री, शिक्षा मंत्रालय ने एक नया ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है भाषा संगम। फॉर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की जो लिस्ट बनी है उसमें टॉप में है मैकेंजी स्कॉट, ठीक है, याद रखना मैकेंजी स्कॉट सबसे टॉप में है, और इसमें 4 भारतीय महिलाएं भी हैं। एशिया पावर इंडेक्स 2021 में सबसे टॉप में है आपका USA, और जो भारत है वो है 4th पोजीशन पे, ठीक है। PV सिंधु ने BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स 2021 में रजत पदक जीता है, ठीक है। उसके बाद ओलाफ स्कॉल्ज जो है वो जर्मनी के चांसलर चुने गए हैं। ई सवारी इंडिया, ई बस गठबंधन लॉन्च किया है नीति आयोग ने, ठीक है। पूछा जाता आपसे कि
ये जो स्कीम है किसने लॉन्च किया, तो याद रखना ई सवारी इंडिया, ई बस गठबंधन नीति आयोग ने लॉन्च किया है। 10 दिसंबर को हम मनाते हैं मानवाधिकार दिवस, मतलब ह्यूमन राइट डे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। री हब प्रोजेक्ट जो है वो शुरू किया गया है असम में। उसके बाद 4 दिन का भारत अंतर्राष्ट्रीय जो साइंस फेस्टिवल है, विज्ञान महोत्सव है, उसका 7वां जो संस्करण है शुरुआत किया है गोवा में। ओडिशा के मुख्यमंत्री ने तकनीकी अमोनियम नाइट्रेट परिसर की आधारशिला रखी है। ठीक है, अमोनियम नाइट्रेट रिलेटेड आपको याद रखना है, कुछ भी ऑप्शन आए तो उड़ीसा मार देना है। ठीक है, भारत जो है अपना मानव अंतरिक्ष मिशन, मतलब अंतरिक्ष में मानव को भेजा जाएगा, उसका नाम है गगनयान, उसे भारत लॉन्च करेगा 2023 में। सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीता है मणिपुर ने। रॉयल गोल्ड मेडल 2022 दिया गया है बालकृष्ण दोषी जी को। पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है नीली बेंदापुरी। उत्तराखंड राज्य ने मुख्यमंत्री वहां के जो है उन्होंने दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना शुरू की है। ठीक है, फिर एशिया को छोड़ दो, कलिंगा साहित्य पुरस्कार जो 2021 का है उसे जीता है श्रीनिवास उद्गाता ने। हैदरपुर आर्द्र भूमि है, उसे रामसर साइट में डाल दिया गया है, वो उत्तर प्रदेश का है। ये दिसंबर का न्यूज़ बता रहा हूँ मैं आपको। भारत कौशल रिपोर्ट, मतलब स्किल रिपोर्ट जो 2022 का लॉन्च हुआ है 21 में, उसमें सबसे टॉप पोजीशन में है महाराष्ट्र। जे रेमी लाल रिनुंगा, ठीक है, जेरेमी लाल रिनुंगा ने राष्ट्रमंडल जो कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप होता है उसमें स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, उसके बाद न्यूजीलैंड ने बोला है कि 2027 तक धूम्रपान मुक्त देश हम बन जाएंगे। ठीक है, लोकतंत्र के पहले शिखर सम्मेलन, मतलब डेमोक्रेसी का जो फर्स्ट समिट था उसका जो मेजबानी वो करेगा अमेरिका। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट में सबसे टॉप पोजीशन में है स्विट्जरलैंड। ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स रिसेंटली जो लॉन्च हुआ है उसमें अमेरिका सबसे ऊंचे पोजीशन में, ऊंचे पायदान में है। ठीक है, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत सबसे अधिक जहां लोगों को रोजगार मिला है वो राज्य है महाराष्ट्र। चंददीप सिंह ने पैरा वर्ल्ड टाइकोंडो चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है। ठीक है, उसके बाद फिडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप, चेस चैंपियनशिप जो 2021 में हुआ उसमें नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन ने जीता है। डॉक्टर एस स्कडर ओरेशन अवार्ड मिला है अजीम प्रेम जी को। दिल्ली पुलिस का एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, उसका नाम है उन्नति, उसे लॉन्च किया है राकेश अस्थाना ने। मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब जीता है हरनाज सिंधु ने। टाइम पत्रिका का 2021 पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया है लॉन मास्क को। माँ उमिया धाम विकास परियोजना का जो आधारशिला है वो रखा गया है आपका गुजरात में। नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड मिला है राजस्थान को, एनर्जी कंजर्वेशन में अच्छा काम किया था इन्होंने। अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए CGN-605 उपग्रह लॉन्च किए गए हैं, 605 वो चीन ने लॉन्च किया गया था। मिथिला मखाना जो बिहार का है उसे GI टैग मिला है। आस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य जो कि उत्तराखंड में है उसे इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया। ठीक है, आस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य, आस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को इको सेंसिटिव घोषित किया गया है। सर्वाधिक प्रशंसनीय
शख्सियत जो होते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो आदमी हैं, उसकी सूची में सबसे टॉप पोजीशन में रहे हैं अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा, और नरेंद्र मोदी इसमें रहे हैं 8वें पोजीशन पे। ठीक है, उसके बाद नासा ने लॉन्च किया है पार्कर सोलर प्रोब। ठीक है, फिर आधारभूत साक्षरता सूचकांक, मतलब फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी जो इंडेक्स है उसमें सबसे टॉप पोजीशन में रहा है वेस्ट बंगाल, मतलब पश्चिम बंगाल, भूटान। ठीक है, भूटान ने क्या किया है, अपने देश का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है नगदग पेलजी खोरलो, नगदग पेलजी खोरलो, वो अवार्ड दिया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मतलब फैसला लिया है कि वे जो शादी की उम्र है महिलाओं की उसे 18 से बढ़ाकर 21 कर देगी। ग्लोबल एंट्रोप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है कुमार मंगलम बिड़ला को। लंदन के विंडसर कैसल में नाइटहुड की उपाधि प्राप्त की है लुइस हैमिल्टन ने। ठीक है, नाइटहुड का उपाधि किसको मिला है, लुइस हैमिल्टन ने। व्हाट्सएप 500 गांव के लिए डिजिटल भुगतान उत्सव की घोषणा की है। ठीक है, व्हाट्सएप ने। फिर है सिमोन बिलेस हैं, ठीक है, सिमोन बी लेस, वे यूएसए के जिमनास्ट हैं, उन्हें टाइम मैगजीन का एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। ठीक है, उसके बाद झारखंड राज्य ने युवा खेल प्रतिभाओं को, ठीक है, मतलब जो यूथ खेलते हैं उसको प्रोत्साहित करने के लिए एक स्कीम लॉन्च की है, योजना लॉन्च की है, जिसका नाम है सहाय योजना। ठीक है, याद रखना सहाय झारखंड। पैरालंपिक अवार्ड 2021 में बेस्ट फीमेल डेब्यू का खिताब जीता है अवनी लखेड़ा ने। उसके बाद एक थाई वजथू है, ठीक है, थाई वजथू एक गीत है, तो उस गीत को अपना राजकीय गीत घोषित किया है तमिलनाडु ने। ठीक है, स्टेट एंथम घोषित किया है। नोवाक जोकोविक जो है उन्हें ITF विश्व चैम्पियनशिप का खिताब मिला है। फिर जो कॉमनवेल्थ भारोत्तोलन, मतलब वेटलिफ्टिंग का जो चैम्पियनशिप हुआ था उसमें पूर्णिमा पांडे को गोल्ड मिला है। ठीक है, तो याद रखना पूर्णिमा पांडे वेटलिफ्टिंग से और उन्हें गोल्ड मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया है। ठीक है, उसके बाद ओडिशा में आपके जो परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम जो नई पीढ़ी का बैलिस्टिक मिसाइल है जिसका नाम है अग्नि प्री, उसका प्रशिक्षण किया गया। ठीक है, उसके बाद जम्मू कश्मीर सरकार ने डिसाइड किया है कि हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी त्रिभाषी, मतलब तीन लैंग्वेजेस में भूमि पासबुक, मतलब लैंड पासबुक को जारी किया जाएगा। भारत, ईरान और उज्बेकिस्तान, ठीक है, भारत, ईरान और उज्बेकिस्तान ने चाबहार बंदरगाह के संयुक्त उपयोग पर अपना सहमति दिखाई है। स्पेस एक्स जो एलोन मस्क की कंपनी है ने कैलिफोर्निया बेस से 52 स्टार लिंक सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। 100% टीकाकरण करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है अंडमान निकोबार। हरियाणा गवर्नमेंट ने खेल को बढ़ावा देने के लिए खेल नर्सरी योजना 2022-23 की शुरुआत की है। ठीक है, स्पोर्ट्स नर्सरी योजना 2022-23। राजस्थान ने उड़ान योजना की शुरुआत की है, उड़ान। फिर तेलंगाना में आप देखोगे तो भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता सुलह केंद्र का उद्घाटन किया गया है, मतलब जो इंटरनेशनल सेटलमेंट होता है उस चीज़ की बात की जा रही है तेलंगाना में। गैब्रियल बोरिक जो है वो चील के सबसे
यंगेस्ट प्रेसिडेंट बने हैं, मतलब सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं। गेल ने गुजरात में बायो इथेनॉल संयंत्र स्थापित करने के लिए एमओयू किया है। बीबीसी स्पोर्ट पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार जीता है एम्मा राडुकानो ने, जो टेनिस से रिलेटेड है। गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार, मतलब गोल्डन पीकॉक जो इन्वायरमेंटल अवार्ड है वो जीता है सेल ने, SAIL सेल। वाडा, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, जो उसके अनुसार, वाडा के अनुसार डोपिंग रोधी नियमों का उल्लंघन करने में सबसे टॉप में है रूस। कर्नाटक ने ट्रांसजेंडरों के लिए पुलिस में आरक्षण की घोषणा की है। सरफेस टू सरफेस गाइडेड बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय, उसका सफल परीक्षण हुआ है उड़ीसा में। बीजिंग ओलंपिक के लिए भारतीय दल का शेफ डी मेशन नियुक्त किया गया है हरजिंदर सिंह को। पंजाब राज्य सरकार ने जगन्नाथ रथ यात्रा को राज्य उत्सव का टैग दिया है। पाकिस्तान ने अपना एक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया है जिसका नाम है बाबर क्रूज मिसाइल। दिव्या हेगड़े को संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार मिला है लीडरशिप के लिए। ICC अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप का 2022 का मेजबानी करेगा वेस्टइंडीज। यूनिकॉर्न कंपनियों के मामले में सबसे टॉप पोजीशन में है अमेरिका। झारखंड की विधानसभा ने मॉब वायलेंस और लिंचिंग को रोकने के लिए एक बिल पास किया है, ठीक है। एशियन पुरुष चैंपियन ट्रॉफी में भारत ने पाकिस्तान को हराकर कांस्य पदक जीता है, ठीक है। उसके बाद जूनियर US ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट अनाहत सिंह ने जीता है। अनाहत सिंह किससे हैं? स्क्वैश से हैं। दिल्ली की जो कैबिनेट है उसने पहले शिक्षक विश्वविद्यालय, मतलब पहला टीचर यूनिवर्सिटी की स्थापना को मंजूरी दे दी है। भारतीय सेना ने ASIG सिग्मा नामक मैसेजिंग एप्लीकेशन लॉन्च किया है। इंडियन एयर फोर्स, भारतीय वायु सेना ने पहली S-400 मिसाइल प्रणाली का पहला स्क्वाड्रॉन पंजाब में तैनात किया है। 11वां राष्ट्रीय बिलियर्ड्स खिताब जीता है पंकज अडवाणी ने। 25 दिसंबर को हम मनाते हैं सुशासन दिवस। DRDO ने स्वदेशी हाई स्पीड हीट HEAT हीट अभ्यास का परीक्षण किया है उड़ीसा में। सैफ अंडर 19 महिला चैंपियनशिप जीता है बांग्लादेश ने। प्लास्टिक के पुनर्चक्रण, मतलब रिसाइकलिंग के लिए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के साथ पार्टनरशिप किया है NTPC ने। जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर का खिताब मिला है दानिश सिद्दकी को, मुंबई प्रेस के। फिर धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण, मतलब फ्रीडम ऑफ रिलीजन का जो आपका राइट है उसका प्रोटेक्शन के लिए एक बिल पास किया है कर्नाटक सरकार ने। गुड गवर्नेंस इंडेक्स जो जारी हुआ है उसमें टॉप में रही है गुजरात गवर्नमेंट। साउथ अफ्रीकन ऑफ द ईयर जो पुरस्कार होता है, साउथ अफ्रीकन ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला है डॉक्टर इम्तियाज सुलेमान को। उसके बाद मोस्ट इनोवेटिव रिसर्च इंस्टीट्यूशन में सबसे टॉप पोजीशन में हो गया है IT रुड़की। भारतीय नौसेना ने, इंडियन नेवी ने अपने जहाज INS खुखरी को 32 साल की सेवा के बाद हटा दिया है, डीकमीशन कर दिया है। दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप जेम्स वेब स्पेस लॉन्च किया है नासा ने। नदियों के सम्मान में, ठीक है, नदियों के सम्मान में नदी उत्सव शुरू किया गया है गुजरात में। 11वीं हॉकी इंडिया जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप उत्तर प्रदेश ने जीता है।
अनुकृति उपाध्याय का एक उपन्यास है किंतशुगी, उसने सुशीला देवी पुरस्कार 2021 जीता है। विश्व संगीत तानसेन उत्सव मध्य प्रदेश में मनाया गया है। इंडिया लिमिटेड ने हाइड्रोजन संयंत्र स्थापना करने की घोषणा की है असम में। श्रीलंका ने बिना एनओसी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के विदेशियों की शादी पर रोक लगा दी है। 2021 का विजय हजारे ट्रॉफी हिमाचल प्रदेश ने जीता है। ग्लोबल इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड 2021 को जीता है विरल देसाई ने। ठीक है, पेटा इंडिया की 2021 पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है आलिया भट्ट ने। अटल इनोवेशन रैंकिंग 2021 में सबसे टॉप पोजीशन में रहा है आईआईटी मद्रास। जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन था उसमें सबसे टॉप में रहा है तेलंगाना। सिक्किम के राज्यपाल ने प्रधानमंत्री मोदी नामक सड़क का उद्घाटन किया है। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक में चौथा जो मेंबर वो बन गया है मिस्र, मतलब इजिप्ट। जापान ने दुनिया का सबसे बड़ा डुअल मोड वाहन पेश किया है। ठीक है, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कौशल रोजगार निगम वेब पोर्टल लॉन्च किया है। न्यूजीलैंड की एक खिलाड़ी हैं रॉस टेलर, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण अवार्ड 2021, मतलब नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड 2021 मिला है। भारी वाहन रॉकेट हेवी व्हीकल रॉकेट अंगारा A5 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है रूस ने। सुराई इको टूरिज्म जोन का उद्घाटन किया गया है उत्तराखंड में। तेलंगाना ने 100% आबादी को कोविड की पहली डोज लगाने का लक्ष्य हासिल कर लिया है। उसके बाद ऑर्डर ऑफ कनाडा जो सम्मान है उसे सम्मानित किया गया है डॉक्टर वेंकुटम अय्यर लक्ष्मण, नौजीत सिंह ढिल्लू और प्रदीप मर्चेंट को। तो ये आपका इम्पोर्टेंट करंट अफेयर था दिसंबर महीने का।